जय श्री कृष्णा। आज हम जो लेकर आए हैं अधूर कान्हा जी का पालना लेकर आए हैं, बहुत सुंदर, तो उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए ये बिल्कुल सिंपल सा है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले वाइट कलर, इस पर ब्राउन पे हम वाइट करेंगे, क्योंकि अगर हम इसी पर डायरेक्ट कलर करेंगे प्रॉपर तो इस पर चढ़ेगा नहीं, तो इसलिए बेस हमें बनाने के लिए वाइट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कलर कर रही हूँ वाइट। आज मैं और मेरी बेटी मिलके बनाएंगे ये। देखिए यहाँ पे मतलब कि मोटी मोटी लेयर करनी है, ना ज़्यादा इसको लाइट करना है, क्योंकि हम जब कलर करेंगे इसको तो चढ़ेगा नहीं। तो ये देखिए पूरा बेस पूरा फुल वाइट हो जाएगा। आप इसके लिए कोई भी कलर ले सकते हैं। यहाँ देखिए धीरे धीरे हम कलर करते जा रहे हैं, ये मेरा फोटो जा रहा है। देखिए तो जो पाल उस झूला है उस पर भी हम कर लेंगे, स्टैंड पे तो हमने कर लिया, हमने झूले पे भी करेंगे। थोड़ा सा सोचा मैं भी कर लूँ कलर, तो मैं भी थोड़ा सा कलर करने लगी। ये देखिए इस तरह से हम थोड़ा मोटी मोटी लेयर लगाएंगे, अभी कुछ सही से लगाएंगे, जो आगे की आउटर है हम उस पर भी लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से करते हुए हमें इसको पूरा करना है। और ये हमारा इस तरह से देखिए पूरा हो गया। और अब देखिए इसमें थोड़ा सा येलो कलर मिला रहे हैं। येलो कलर से क्या होगा, जो हमारा जो हमें बेस बनाना है इसका पेंट जो करना है, तो हमारा वो हम येलो कलर का करेंगे। ये हमें कलर करना नहीं था, ये हमें प्रॉपर वाइट करना था, लेकिन शायद कान्हा जी ये इस कलर में ही खुश हैं, तो ये प्रॉपर चंदन वाला कलर उन्होंने हमसे बनवा लिया, और ये बना भी चंदन वाला ही है। हम कुछ डिफरेंट करने जा रहे थे लेकिन हमारे से बना यही, तो हमने कहा चलो यही करते हैं। तो देखिए ये इस तरह से हमारा हो गया येलो, और ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है बिल्कुल जो प्रॉपर हम तिलक लगाते चंदन वाला वो कलर हुआ है हमसे। ये देखिए ये देखिए ये हमारा हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे, तो डेकोरेट हम करेंगे शीशों से। तो यहाँ पे पहले फैब्रिकल की ग्लू लगा रहे हैं पूरे पे। आपके पास जो भी डेकोरेशन का सामान हो उसे सजा सकते हैं हम लोग। हमारे पास शीशे पड़े हुए थे तो हमने सोचा इसी से बनाया जाए, क्योंकि ये मैंने देखा तो मुझे कहीं मिला नहीं, तो हमने सोचा हम घर में ही बनाते हैं ये फ्लावर वाले, और बहुत थे लेकिन शीशे वाला हमें मिला नहीं, तो हमने सोचा हम घर में ही बनाते हैं। ये देखिए ये हमारा ऊपर का हो गया। अब हम यहाँ पे पूरा ऊपर का हम बेस बनाएंगे, यहाँ पे दो फ्लावर, ताकि खाली खाली थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये देखिए इस तरह से हम इसको कवरिंग करेंगे। ये मेरी वीडियो लेट आ रही है, क्योंकि ये वीडियो मुझे पहले ही देनी थी तो मैं दे नहीं पाई किसी कारणवश। ये देखिए ये हमारा इस तरह से फ्लावर बन के तैयार हो जाएंगे।
और इसमें जो भी हमारा थोड़ा सा जगह बची है उसमें भी हम शीशे की कवरिंग कर देंगे। और वैसे भी कान्हा जी के लिए जैसा मर्जी सजा लो, वो सब कुछ सुंदर लगता है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे मैं कर रहे हैं हम लोग। ये देखिए ये यहाँ पे हमारा डिजाइन बनके रेडी होने वाला है। ये देखिए ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे भी जो हमारे है हैंडल हम उस पर भी हम कर देंगे। और ज़रूरी नहीं है कि आप भी शीशे से ही डेकोरेशन करें, आप यहाँ पर फ्लावर यूज़ कर सकते हैं, कौड़ी यूज़ कर सकते हैं, और आजकल मेटल के पीसेज आ रहे हैं आप उसको यूज़ कर सकते हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर लगा सकते हैं। शीशे के बहुत ही मतलब कि हम लोग डेकोरेशन बहुत तरीक़ों से कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा हमने थोड़ा इसको फैंसी बना रखा है, तो देखते हैं हमारा ये फैंसी बनता है कि नहीं बनता, लेकिन मुझे है विश्वास कि कान्हा जी ये बनने देंगे। ये देखिए, और आपको हमारे साथ वीडियो में बने रहना है ताकि आप इसको पूरा देख सकें। ये देखिए यहाँ पर भी इस तरह से हम इसको डेकोरेट कर देंगे। ये हमारा कुछ इस तरह से हुआ सेकंड पार्ट में, आगे का बने रहे मेरे साथ।